हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे टेरेस गार्डन में। आज हम कई तरह की विंटर वाली सब्जियों के बीज ग्रो करने वाले हैं। तो चलिए, मिट्टी तो मैंने रेडी करके रखी है, तो मिट्टी आपके पास जो अवेलेबल हो वो वाली ले लीजिए। और मिट्टी में मैंने 60% मिट्टी ली है, 40% गोबर का कंपोस्ट लिया है। मिक्स करके सारा मैंने तैयार करके रख लिया है, तो जहाँ भी मुझे सब्जियाँ ग्रो करनी है मिट्टी भर ली है। मेरे पास पुरानी रखी हुई मिट्टी है जिसमें मैंने पहले सब्जी ग्रो की थी बारिश वाली, तो इसलिए मैंने इसमें रेत नहीं मिलाया है। आपकी मिट्टी चिकनी हो तो उसमें 20% रेत या फिर उसे बालू कहते हैं वो आप ज़रूर मिला लीजिएगा। तो 20% रेत, 40% मिट्टी और 40% कंपोस्ट आप मिला लीजिएगा। और ये देखिए, ये है धनिया के बीज, तो मैंने ये हाइब्रिड वाले धनिया के बीज लाए हैं। आप अपने किचन में रखे हुए धनिया के बीज भी बो सकते हैं, उससे तो बहुत अच्छा खुशबूदार धनिया उग जाता है। वो भी अभी मैं आगे बोने वाली हूँ। तो देखिए, धनिया चारों तरफ इस तरह से बुरक दीजिए, बहुत ज़्यादा घना घना नहीं डालना है, पतला पतला डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और डालने के बाद आप इसके ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी की लेयर डाल दीजिए, जो मिट्टी आप करके रखेंगे बस वही वाली। हाइब्रिड वाला धनिया मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, रिज़ल्ट मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कैसा रहता है इसका। और अब दूसरी सब्जी बो लेते हैं। तो देखिए, दूसरा वाला एक टब है यहाँ पर, इसमें भी मिट्टी भर के रखी है। और ये है लाल साग के बीज, लाल भाजी के, तो ये भी बो देते हैं हम। बहुत बारीक बारीक होते हैं ये, और हम थोड़ा पतला ही बोएंगे ताकि हमारी भाजी की ग्रोथ अच्छी हो सके। तो पतले पतले हम इसे सब तरफ पूरक देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हल्के हल्के बुरक दीजिए। और हल्का सा मैं ऐसे मिक्स कर रही हूँ क्योंकि कहीं कहीं ज़्यादा पड़ गए हैं, कहीं कहीं बीज कम पड़ गए हैं, इसलिए ये देखिए हल्के हाथों से। और बस इसके भी ऊपर हमें हल्की हल्की सी मिट्टी की लेयर डाल देनी है, बहुत ज़्यादा लेयर नहीं डालना है, बीज दिखते रहेंगे तो भी चलेगा, हल्की हल्की सी लेयर हमें डालना है। ये देखिए, देसी वैरायटी वाला धनिया तो बहुत खुशबूदार और अच्छा होता है, लेकिन मैंने इस बार हाइब्रिड वाला भी ट्राई किया है, देखते हैं अब रिज़ल्ट क्या होता है। ये रहे मूली के बीज, तो मूली के बीज देखिए इस तरीके से हम आधे इंच का होल करेंगे और इसमें डाल देंगे, तो थोड़े दूरी पे करना है। और मूली के लिए थोड़ा गहरा कंटेनर लीजिए, ये देखिए। और मैंने तो ये मॉप जो होता है उसकी बकेट है जो ख़राब हो गई थी उसमें बो रही हूँ मैं, तो मेरा सारा गार्डन कबाड़ से जुगाड़ वाला ही है। तो आप कम खर्चे में गार्डनिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ये देखिए, सारे बीज बो दिए हैं दूरी पे, और हल्का हल्का सा इन्हें मिट्टी से हम दबा देंगे, बहुत ज़्यादा गहरे में नहीं दबाना, नहीं तो उगेंगे नहीं। और यहाँ मैं बोने वाली हूँ गाजर, तो ये 5 लीटर के तेल के कंटेनर हैं जिन्हें ऊपर से मैंने काट दिया है, और मिट्टी इनमें भी तैयार है, तो इनमें हम गाजर बो देते हैं। देखिए, गाजर के बीज कुछ इस तरीके के होते हैं, तो हम ऐसे ही डाल देंगे, थोड़े ज़्यादा भी पड़ जाए तो चलेगा, बाद में हम इसकी पौधे निकाल देंगे, क्योंकि गाजर के बीज तो मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैं ऐसे ही बो देती हूँ। देखते हैं इनमें से कितने उगते हैं कितने नहीं उगते, इसकी भी अपडेट मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। इसके हुए ऊपर हम हल्की हल्की सी मिट्टी ऐसे डाल देते हैं। देखिए, ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा मिट्टी मत डालिएगा, हल्की हल्की सी लेयर देनी है। चलिए, ये भी हमने बो दिया है गाजर, तो हमने बो दिया यहाँ धनिया, लाल साग, मूली और गाजर। अब बाकी की सब्जियाँ और बो लेते हैं, तो इसमें भी मैं मूली ही बो देती हूँ। ये देखिए, ये कार का टायर है, तो इसे भी मैंने एज अ प्लांटर यूज़ किया है। ये देखिए, ये किचन से ही मैंने धनिया लिया है, देसी वैरायटी वाला धनिया है, ये वाले धनिया से बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इसे हल्का हल्का सा रगड़ कर दो भागों में आप डिवाइड कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं करना, सिर्फ दो भागों में डिवाइड होना चाहिए इस तरह से। कुछ कुछ नहीं भी हुआ है तो चलेगा, अब हम इसे बोएंगे। तो धनिए को भी हम ऐसे ही चारों तरफ डालेंगे, और देखिए धनिया उगने में टाइम लगता है,
10 से 12 दिन बाद धनिया उगना स्टार्ट होगा और इसमें अंकुरण होगा। बहुत जल्दी नहीं होता है, कोई कितना भी बता दे, लेकिन धनिया 1, 2 या 3 दिन में या 4 दिन में या 5 दिन में भी नहीं उगता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सालों से धनिया ग्रो कर रही हूँ अपने किचन गार्डन में। तो देखिए, बो दिया और इसके ऊपर हम मिट्टी की लेयर डाल देंगे। तो देखिए, इसी तरह से मेरी गार्डनिंग कम खर्चे वाली और जुगाड़ वाली है। आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊं। और देखिए, मेरे पास कुछ प्याज रखे थे यहाँ, तो ये भी इसी में लगा देती हूँ, हमें हरे पत्ते मिल जाएंगे प्याज के, हरा प्याज मिल जाएगा। अब मेथी ग्रो कर देते हैं। मेथी के बीज भी मैंने अपने किचन से ही लिए हैं, आपके भी किचन में होंगे तो आप भी कर सकते हैं। आराम से उग जाती है और बहुत ही जल्दी उग जाएगी मेथी। तीसरे दिन आपको इसके नन्हे नन्हे पौधे दिखने लगेंगे और दूसरे ही दिन इसमें अंकुरण दिखने लगेगा। तो देखिए, ये भी मैंने ऐसे दूर दूर करके बो दिया और मिट्टी इसके ऊपर डाल देंगे हल्की सी लेयर, जैसे मैंने सारे प्लांटर में या कंटेनर में डाला है। अगर किसी ज़्यादा गहरे कंटेनर में आप मेथी बोते हैं, ये साग बोते हैं, तो रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास तो यही टब है और इनमें भी अच्छे से हो जाती है। अब ये वाले कंटेनर में मैं बोऊंगी ये शलजम का बीज, ये देखिए। और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ दोस्तों, ये मैंने कभी नहीं बोया था, तो देखते हैं कैसा इसका रिज़ल्ट होता है। तो ये देखिए, इसके बीज ऐसे राई के दाने जैसे एकदम बारीक बारीक निकल रहे हैं। अब देखते हैं कि शलजम हमारे कंटेनर में हो पाती है कि नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि ज़रूर होगी। मिट्टी बहुत अच्छी तैयार की है मैंने और आगे भी मैं इसकी केयर करूंगी। तो देखिए, थोड़े दूरी दूरी पर मैं बीज डाल देती हूँ और जो बचे हुए बीज है वो भी मैं इसी में डाल दूंगी, और ज़्यादा पौधे इसमें हो जाएंगे तो फिर निकाल लूंगी, क्योंकि बीज तो मेरे पास बहुत सारे रखे हैं, बीज की तो कोई कमी नहीं है, बस कंटेनर की कमी है और मिट्टी खाद की कमी है। हाँ, क्योंकि थर्ड फ्लोर पर मिट्टी और खाद चढ़ाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, कोई मिल जाए तो मिट्टी और खाद चढ़ाती है, नहीं तो इंतजार ही करना पड़ता है। देखिए, तो देखिए इसके ऊपर भी पतली सी मिट्टी की लेयर डाल दी है। अब सारी सब्जियां हमने बो ली है, और भी कुछ लगाना है मेरे पास, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी और जो नवल गोल बोलते हैं हम गाढ़ गोभी, उसकी पौध तैयार है, तो वो भी मैं आगे लगाने, जब भी मैं उसकी पौध लगाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए, पालक भी उग गई है जो मैंने पहले ही बो के रखी थी, सिर्फ पालक बोई थी पहले बस। और अभी मैं टमाटर के भी कुछ पौधे लगाने वाली हूँ, तो टमाटर का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहता है, बस थोड़ी केयर की इन्हें ज़रूरत होती है और मिट्टी आप अच्छी बनाइए। कंटेनर में लगी सब्जियों की हमें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी होती है, और ज़मीन पर हम जो लगाते हैं, ग्राउंड पर जो हम लगाते हैं, उन्हें उतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे पास तो है ही नहीं ग्राउंड, ज़मीन है ही नहीं लगाने के लिए, तो हमें ऐसे ही लगाना पड़ेगा। तो ये भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। देखिए, यहाँ एक होल कर दिया है और ये पौधे लगा रही हूँ मैं, तो मैंने 2 पौधे ले लिए हैं, इसमें एक भी लगा सकते हैं आप। एक हाथ में मेरे मोबाइल है और एक हाथ से मैं पौधे लगा रही हूँ, इसलिए थोड़ा आपको हिली हिली सी स्क्रीन दिख रही होंगी। तो आप दोनों हाथ के यूज़ से लगाएंगे तो बहुत अच्छे से पौधे लग जाएंगे। और जब भी आप ये पौधे लगाएं तो शाम के टाइम ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, अच्छी तरीके से मिट्टी को दबा दीजिए और फिर इसमें पानी डाल दीजिएगा। तो ये टमाटर का पौधा यहाँ जो लगा था एक, वो पहले ही मैंने लगाया था, और ये मिर्ची का पौधा भी मैंने कई दिनों से लगा के रखा है, तो इसमें तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और इसमें मैंने पिंचिंग कर दी थी तो बहुत सारी ब्रांचेस आ गई है। उसी तरह से मैंने इधर जो लगाया है एक टमाटर का पौधा, उसमें भी पिंचिंग कर दी है। और ये भिंडी मैंने बीज के लिए रखी है, इसके मैं बीज तैयार करूँगी। और अब सारे जो हमने बीज ग्रो किए हैं उन पर हम पानी छिड़क देंगे। तो बस पानी ऐसे ही छिड़क कर दीजिए, चाहे तो आप पाइप से छिड़क सकते हैं या किसी भी तरीके से, लेकिन एकदम से लाकर मत डालिए, नहीं तो बीज एक जगह जमा हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे।
तो अब जहाँ जहाँ भी मैंने सब्जियों के बीज लगाए हैं वहाँ मैं पानी छिड़क छिड़क कर डाल दूँगी, और अगर आपके यहाँ धूप है तो दोनों टाइम आप इनमें छिड़क कर पानी डालिए। वैसे तो अभी बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो देखते हैं बारिश आती है कि क्या होता है, बादल से हो रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक